बीते हुए वक्त और बीते हुए समय में जो गलतियां हमने की हैं, उन्हें हम आने वाले वक्त और समय में ना करें। बीता समय तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले समय को हम अच्छा कर सकते हैं अपने विचार और अपने आदर्शों में कुछ परिवर्तन करके। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, इनमें से कुछ चीजें आपके काम जरूर आने वाली है। हमेशा याद रखिए, जब आपका वक्त बुरा हो तो आप मेहनत करना, और जब भी आपका वक्त अच्छा हो तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बढ़कर कोई साधन नहीं, और शब्द से ज्यादा तीखे कोई बाण नहीं। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करें। सच्चे त्याग और दिखावे में थोड़ा सा फर्क होता है। व्यक्ति उस वस्तु या उस रिश्ते को कभी नहीं त्याग सकता जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हो, और व्यक्ति या वस्तु जिससे उसका कोई लाभ ना हो रहा हो और भविष्य में होने की उम्मीद भी ना हो, उसे छोड़कर त्याग का नाम देकर महान बनना चाहता है इंसान। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने आपका मौन रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी और बेहतर होता है। इम्तहान लेकर जो सबक देती है वही हमारी जिंदगी है, और इस दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति वही होता है जो अपनी मुस्कुराहट देकर दूसरों का दिल जीत ले। हम क्या हैं ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं, लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिंदगी में हर एक दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, और शाम होते होते हमें एक अनूठा और प्यारा सा नया अनुभव देकर जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब गलती स्वयं की होती है तो हम समझौता चाहते हैं, और जब गलती दूसरों से होती है तो हम सजा चाहते हैं, न्याय मांगते हैं। भूल करना इंसान की प्रकृति है, और भूल सुधार लेना रिश्तों के प्रति प्रगति है, और भूल मान लेना ये हमारी संस्कृति है। जिंदगी में जब एक वक्त ऐसा आए कि हमें जिंदगी और सपनों के बीच मोल भाव करना पड़े, तो बिना सोचे समझे ही सपनों को बेच दीजिए, क्योंकि जिंदगी रही तो सपने खूबसूरत से फिर से खरीद लेंगे। जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वो रोता नहीं, हमेशा के लिए खामोश सा हो जाता है। ईश्वर ने इंसान को दो मामलों में बहुत ही बेबस बनाया है। एक तो वह अपना गम बेच नहीं सकता, और दूसरों की खुशियां वो खरीद ही नहीं सकता, लेकिन इसका रास्ता वो खुद भी निकाल सकता है। दूसरों के दुख में शामिल होकर और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट कर, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसमें लोग ये कह के कर आपको परेशान कर चुके होते हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात ही नहीं है। जब खुशियाँ हर पल हमारे आसपास होती हैं तो हमें कहाँ एहसास होती हैं, लेकिन जब जिंदगी मायूस सी होती है तभी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और अच्छे हों, और आपको समझने वाला कोई हो ही नहीं। हे ईश्वर, सबकी खुशी में ही मेरी खुशी हो, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबके जीवन में मुस्कान बिखेर सकूं, ऐसा मेरा कोई खूबसूरत सा जरिया कर दो। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 ज्यादा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। मेरे किरदार में यही खराबी है, न बनावट है न अदाकारी है। जिसको कि स्वार्थ के लिए जो नहीं मिला उसने ही मुझ में खोजी कमियां बहुत सारी हैं। बहुत मुश्किल है खराब लोगों के बीच सम्मान बना पाना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है ऐसे भरे समाज में अच्छे और खूबसूरत इंसान को खोज पाना। संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है। एक संतरे को सूंघने या खाने से तनाव का 70% आपके जीवन से कम किया जा सकता है। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब हैं। चलते रहें जनाब, जिंदगी जीवन में इसी का नाम है। आप बस लोगों के लिए अच्छा करते रहिए, जो आपके लिए बुरा करेगा ईश्वर के पास उसका लेखा जोखा और पूरा हिसाब किताब है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो निश्चित ही वह किसी और के सामने भी आपके बारे में गलत बातें और आपकी चुगली जरूर करता होगा, क्योंकि ये उसके स्वभाव में है। रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं, और इंसान वही सर्वश्रेष्ठता है जो खराब समय आने पर फिसले नहीं और अच्छा समय आने पर ज्यादा उछले नहीं। एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती हैं। वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। जो व्यक्ति थोड़ी खुशी में खुश रहता है उसके पास ही खुशियां भरपूर होती हैं, और जो लोग अच्छे लोगों से स्वार्थ से जुड़कर
उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन अच्छे लोग जिंदगी में कभी नहीं मिलते। लोग जब अपनी रुचि के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी पसंद के बारे में बात करते हैं, उस समय वो सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति से किए गए छल से ईश्वर आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है, फिर चाहे आप शतरंज के कितने बड़े भी खिलाड़ी क्यों न हो। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इमोशनल होती हैं। लोग बेताब थे आशीर्वाद लेने के लिए और मंदिर में मिलने के लिए मंदिर के अंदर बैठे पुजारी से, लेकिन हम करोड़ों की दुआ लेकर लौटे बाहर बैठे दुआ गुजारी से। साइकोलॉजी कहती है कि हर रात सोते समय जिस आखिरी शख्स का ख्याल आपके मन में आता है, तो यकीन मानिए उस शख्स का आपके दुख और सुख में कोई ना कोई विशेष सहयोग या कारण जरूर है। जिंदगी में चलते रहे और चलने का रास्ता बना बनाए कभी नहीं मिलता, हमेशा बनाना पड़ता है। इसलिए जब भी रास्ते बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि जैसे रास्ते आप बनाएंगे आपको मंजिल भी वैसी ही मिलने वाली होती है। हमेशा याद रखना, जब आपका बुरा वक्त आए तो मेहनत करना, और जब भी आपका वक्त अच्छा हो जाए तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना। जो रिश्ता कम दिल में गुरूर ज़्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ज़रूर रखें, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी ज़रूरी है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए ख़राब कर देता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी खराब ना हो। एक रिसर्च में ये प्रूफ होता है कि यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग में भी एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो आपको तुरंत ही बहुत सारी खुशियों का अनुभव करवा देता है और आपको अच्छा लगता है। कड़वा ही सही है, पर सच यही है, समय और पैसे का चक्र ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलने देता कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपकी कम आपके पैसों की जरूरत ज्यादा है। जिनके लिए कभी आप बहुत जरूरी होते थे, उनके लिए आज आपके पैसे ही सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर लें, कितना भी सोच लें, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय करते हैं। कहने का अर्थ है कि ज्यादातर बार आपके निर्णय बिना सोचे समझे ही हो जाते हैं, और वो निर्णय कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अत्यधिक खुशियों की चाहत ही हमें दुख की तरफ ले जाती है, और खुशियों के लिए साधन या संसाधन की नहीं बल्कि मन में संतोष की जरूरत होती है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि दूसरों की खुशी और रिश्ते निभाने के लिए अपने दिल को दुखाना पड़ता है, और दूसरों की खुशी के लिए जो हार मान लेता है जिंदगी में कभी उससे कोई जीत ही नहीं सकता। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाइए, इससे उन्हें अपनी आवाज को कम करना होगा और चेहरे से संपर्क भी नहीं होगा। जिंदगी को गणित की तरह समझने लगे हेलो, कभी इसकी शुरुआत तो कभी अंत जानने में लगे हैं लोग। हर किसी की नजर में खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं लोग। समाज के रंग में और दूसरों के ढंग में ढलने के लिए आज हम खुद को भूल जाने में लगे हैं। जिंदगी में हर पल एक सांस सबके जीवन से घटती सी जाती है। कोई जिंदगी को जिंदा दिली से जीता है और लोगों के काम आता है, और किसी की जिंदगी बस यूं ही कटती सी जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक कि वो आपके साथ खुद ना घटा हुआ हो। लोग भी गजब का कमाल करते हैं, उम्मीदें अपनों से लगाते हैं और सही गलत काम भी अपने विवेक पर करते हैं, और जब मन का फल ना मिले तो भगवान से शिकायत करते हैं। जब तक आप किसी का बुरा नहीं सोचते तब तक भगवान भी आपका बुरा नहीं कर सकते, और अगर आपके जीवन में कुछ खराब हो रहा है तो अपने कर्मों पर विचार विमर्श जरूर कर लें। जीवन में जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो तभी आशा की सुनहरी किरण जीवन में आने वाली होती है। बस उस पल तक सब्र रखना सीख लो, यही सबसे बड़ी जरूरत होती है। अगर एक इंसान को कोई नई आदत अपनानी हो तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हो। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना बहुत ही आसान हो जाता है। कीचड़ का स्वभाव बदलने के लिए ईश्वर उसमें कमल का बीज भी डाल देते हैं, लेकिन कीचड़ इतना सुंदर कमल पाकर भी अपने स्वभाव में बदलाव नहीं कर पाता, इसलिए लोग कमल को कीचड़ से बाहर निकालते हैं लेकिन कीचड़ को भी साथ कभी नहीं लाते हैं। अगर हम किसी भी दुर्लभ कार्य के लिए हिम्मत और उत्साह दोनों बनाए रखते हैं तो कार्य कभी भी असंभव नहीं होता, वो जरूर पूरा होता है। गर्व के लिए रोने को तो पूरी जिंदगी में पड़ी है जनाब, कभी खुशियों के लिए भी जी लिया करो। जो आज आपके सामने है
आपके पास है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है दर्द दे जाता है और रुलाता है, लेकिन मैं मानती हूँ दुख जब भी आता है तो अपने और गैरों का फर्ज दिखा कर जाता है और कुछ ना कुछ हमें अच्छी बात बता कर ही जाता है। जो होने वाला है वही होगा, यही सोच जिंदगी को जिंदा दिल बनाता है। जीतता वही है जिंदगी में जो दूसरों को जिंदगी में खुशियाँ भर देना और उसे ही जीना सिखाता है। स्नान करने से तन शुद्ध रहता है और दान करने से धन शुद्ध रहता है। सहनशीलता से मन शुद्ध रहता है और ईमानदारी से जीवन और आचरण शुद्ध रहता है। ईश्वर ने एक विभिन्न गुण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया है, वह है मुस्कुराने का। लेकिन मनुष्य मुस्कुराने की वजह छोड़कर सिर्फ खुद को और दूसरों को दुखी रहने की सैकड़ों वजह ढूंढ लेता है। सुंदरता की सही परिभाषा किसी के तन में नहीं बल्कि व्यक्ति के मन में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संस्कार में और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के चरित्र में होती है। राजी उसी में रहिए जिसमें ईश्वर की रजा हो। जिस हाल में जिंदगी में ऊपर वाला रखे उसी में जिंदगी में जिंदा दिली से जिए और सबसे अधिक मजा हो। न दौलत जुटाने में सुकून मिलेगा, न शोहरत कमाने में सुकून मिलेगा, न बंगला गाड़ी में सुकून मिलेगा, न सोना चांदी में सुकून मिलेगा। सुकून तो सिर्फ किसी बीमार जरूरतमंद की मदद करने से ही मिलने वाला है और आपको भी मिलेगा। नीम हकीम बहुत है बाजारों में पैसे वालों के लिए, किसी जरूरतमंद के जख्मों पर मरहम के लिए तो सिर्फ आप ही हैं। मदद जरूर करें और जो खुशी मिलती है उसे लूटें। मन में अगर स्वार्थ हो और दिखावे में कोई भी रिश्ता बना लो, वो चाह कर भी ज्यादा दूरी तक नहीं चलता। और दिल में अगर सच्चा सम्मान हो और प्रेम हो तो चाह कर भी वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। अगर किसी को लूट कर दुख देकर हवन भी किया हो तो उसका कोई फायदा नहीं। और अगर आपने किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ और मुस्कान भरी हो तो आपको धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में कुछ पल अपने लिए भी जीना सीखिए जनाब, क्योंकि जब आप खामोश बैठते हैं तो लोग उपदेश देते हैं।